सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप लोग फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, एंड उस वीडियो को जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया। आप लोगों का जो है प्यार और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, एंड आज की डेट पर जो है लगभग उस पर 4 लाख व्यू क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, एंड उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए इंस्पायर्ड हुए होंगे, एंड काफ़ी सारे लोग तो शुरू कर भी चुके होंगे, एंड काफ़ी सारे लोग शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। तो उन लोगों के माइंड में एक चीज़ हमेशा आता है कि फ़ोन मोटो ब्लॉगिंग करना लीगल है या फिर इलीगल है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि केरला में जो है इलीगल है, वहाँ पर आप लोग मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग करते हुए पुलिस पकड़ती है तो उसका आप लोग को क्या कुछ पेनल्टी चार्ज वगैरह पे करना पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग लीगल है या फिर इलीगल है, तो हम लोग उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो या दोस्तों, हम लोगों का जो मोटो ब्लॉगिंग है वो बैन हो चुका है, जो कि इंडिया में हम लोग का अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे बैन हुआ है, जो कि केरल में हुआ है। एंड केरल में दोस्तों क्यों बैन हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा, एंड आगे कौन कौन से राज्य में बैन हो सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा, एंड इस बैन को होते हुए हम लोग कैसे बचा सकते हैं कि बैन ना हो उसके बारे में भी मैं आगे आप लोग को टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केरल में आखिर बैन क्यों हुआ है। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि केरल में क्यों बैन हुआ है। तो केरल में बैन होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो भी मोटो ब्लॉगर्स थे वो मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम जो है बाइक तो चलाते थे, बट ज़्यादातर ध्यान जो है उनका एक्शन कैमरा पे ही या फिर फ़ोन पे ही लगा रहता था कि फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एंगल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो उस वजह से क्या होता था कि बाइक पर चलाने का कॉन्सेंट्रेट कम होता था, एंड मोटो ब्लॉगिंग जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा था उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे थे। उस टाइम पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो है एक्सीडेंट का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड वही हुआ दोस्तों केरल में जो है इस टाइप का एक्सीडेंट का जो है केस काफ़ी ज़्यादा आने लगा। इसी वजह से दोस्तों केरल के जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है इस मोटो ब्लॉगिंग को बैन कर दिया। वहाँ पर जो है आप ना ही एक्शन कैमरा से मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं ना ही फ़ोन से कर सकते हैं, वहाँ पर जो है टोटली मोटो ब्लॉगिंग बैन है। एंड अगर आप लोग वहाँ पर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि केरल में जो है अगर आप लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हैं एंड पुलिस अगर आप लोग को पकड़ लेती है तो उसका क्या कुछ चार्ज है, अब मैं आप लोग को उसके बारे में बता देता हूँ। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग केरल में मोटो ब्लॉगिंग करते हैं एंड अगर आप लोग को पुलिस पकड़ लेती है तो उसका आप लोग को क्या कुछ पेनल्टी चार्ज वगैरह देना पड़ सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो है 1000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है। इसी के साथ जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको 3 महीने तक रद्द कर दिया जाएगा। सो अब मैं आप लोग को यहाँ पर अपना एक ओपिनियन दे दूँ कि आप लोग जब भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आप लोग को मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना हो या फिर कोई प्लेस के बारे में बताना हो तो उस टाइम में आप लोग क्या करें कि बाइक की जो स्पीड है उसको स्लो कर ले। इससे आप लोग को 2 बेनिफिट होगा, पहला तो एक्सीडेंट होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सेकंड जो है वो आपकी जो ऑडियो क्लियरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग मेक श्योर ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हो या फिर अपने ऑडियंस से ही आप लोग बात कर रहे हो तो अपने बाइक को जो है स्लो कर लें, एंड ट्रैफिक वाले जगह पर तो आप लोग मोटो ब्लॉगिंग करना इग्नोर ही कर दें क्योंकि वही सब जगह में जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट का चांस बन जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो गाइज, आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को पिछला पॉइंट बताया था उस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। सो आप लोग जब भी मोटो ब्लॉगिंग कीजिएगा बाइक को स्लो कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट का चांस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, एंड इससे क्या होगा कि दोस्तों सरकार जो है अदर स्टेट में भी मोटो ब्लॉगिंग को बैन करने से रोक सकती है। ये चीज़ जो है दोस्तों ये हम ही लोग के हाथ में है क्योंकि हम लोगों से जो है अगर ज़्यादा एक्सीडेंट होगा तो बैन होने का भी चांस उतना ज़्यादा ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जब भी मोटो ब्लॉगिंग करें आप लोग जो है कैमरा पर उतना फोकस ना करें, आप लोग जो है बाइक को जब भी राइड करें आप लोग बाइक को चलाते टाइम बाइक पर ही ज़्यादा ध्यान दें, ना कि आप लोग कैमरा पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी आप लोग को सेफ्टी का तो आप लोगों को पता ही होगा कि बाइक चलाते टाइम जो है कम से कम आप लोग को एक हेलमेट तो ज़रूर पहनना है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है एंड आप लोग को नॉलेज जो है पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल्सो राइड सेफ़।